मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि जो भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ था उसे हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कल करे थे, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 इयर्स जो है वो ओल्डर देन है, मतलब बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 हो जाएगा। कब? अब से 3 साल के बाद। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको जो स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ रोहन की मदर की एज क्या कह रहा है, 26 ईयर ओल्डर देन है, बड़ा है किससे, रोहन की मदर, रोहन से। तो सबसे पहले रोहन की हम एज जो है वो लेट करेंगे। हमने मान लिया लेट द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज क्या है, एस। अब रोहन की मदर की एज जो है वो रोहन की एज से 26 ईयर ओल्डर देन है। द एज ऑफ रोहन्स मदर, तो रोहन्स की मदर की जो एज है वो कितनी आ जाएगी, एस प्लस 26, क्योंकि वो उससे बड़ी है 26 ईयर। अब ये कह रहा है कि जो हमको ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, ये कह रहा है अब से 3 साल बाद। तो पहले हम निकालेंगे कि 3 साल बाद उनकी एज होगी क्या। द एज आफ्टर 3 इयर्स द एज ऑफ रोहन, रोहन की जो एज होगी वो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, पहले एक्स है, मतलब अभी अब से 3 साल बाद 3 इयर्स ऐड हो जाएंगे, एक्स प्लस 3। After 3 years, the age of Rohan's mother, Rohan की मदर की एज कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी, x plus 23, और 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 3 years add हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x plus 26 में 3 add करा कितना आ गया, 29। मतलब 3 साल के बाद Rohan's की जो मदर होगी उसकी एज कितनी होगी, x plus 29, और Rohan की जो एज होगी वो होगी x plus 3। आगे ये हमको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया था, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज इक्वल टू 360। इनकी जो एजेस का प्रोडक्ट है वो 360 है, तो हम ये वाला लेंगे क्योंकि वो कह रहा था 3 साल के बाद उनका प्रोडक्ट ये है, तो ये वाले दोनों यूज करेंगे, x प्लस 3, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे, ये क्या है, x प्लस 29 इज इक्वल टू में कितना गिवन है, 360। प्रोडक्ट करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करा, x स्क्वायर, या फिर आप ऐसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं x, इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 29, फिर क्या लेते हैं, प्लस 3, इसको इस पूरी से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले एक्स को एक्स से करा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 29 से मल्टीप्लाई करा, 29x प्लस 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करा, 3x प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 87 इज इक्वल टू कितना है, 360। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि एक तरफ जो होता है वो इक्वल टू में 0 होता है। तो सबसे पहले जो सॉल्व होगा हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी एक्स वाले टर्म है, ये भी एक्स वाले टर्म है, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की है, 29 और 3 कितने हो जाएंगे, 32x। अब इसके बाद ये प्लस का 87, ये प्लस का 360 इधर शिफ्ट करा, माइनस का 360 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म है, इन दोनों को सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है 360 में, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 273 बड़े किसी माइनस के, इसलिए किसका आ जाएगा, माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सेम ये आपको